विश्वास के साथ चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, जो आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, जिस पार्टी का नेतृत्व करता है ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और आप सबकी अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी चलती है। बंधुओं, में कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबकी साथी है, परंतु व्यापारी उसकी थापी है, व्यापारी उसकी पूंजी है, व्यापारी उसकी नींद है, व्यापारी उसका आधार स्तंभ है। और उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने हमेशा व्यापारियों को सम्मान भी दिया है और व्यापारियों की चिंता भी की है। और जब कभी किसी भी सरकार के द्वारा व्यापारी के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार या अन्यायपूर्ण कानून लाया गया, तो मुझसे भी से भारतीय जनसंघ के समय से मुझे स्मरण आता है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, मैं चर्चा करूंगा, नाम लूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, समय बहुत हो रहा है। जो धंधाजी वसूल की जाती थी व्यापारियों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के पार्टियों के नेताओं के द्वारा, विभिन्न माफियाओं के द्वारा, विभिन्न वर्गों के और अपने को शक्तिशाली समझे जाने वाले, बाहुबली समझे जाने वाले लोगों के द्वारा, उसके बाद उसकी वजह से भी व्यापारी का औद्योगिक विकास नहीं हो पाता था। व्यापारी प्रदेश को छोड़ के भाग रहा था, कस्बों को छोड़ के भाग रहा था, जिलों को छोड़ के भाग रहा था। आज उस सब पर भी नियंत्रण करने का काम, और नियंत्रण नहीं, ऐसी सभी बाहुबलियों को कुचलने का काम इस योगी जी की सरकार ने किया है। ये तीसरा वातावरण बनाने का काम सरकार ने किया है। युवा की शिक्षा है, वह आज वर वृक्ष के रूप में देश का और विश्व का नेतृत्व करने के लिए आपके सामने खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से जो सपना आप सब लोगों ने, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा था, भारत शक्तिशाली बने, भारत समृद्धशाली बने, भारत औद्योगिक प्रगति से आगे बढ़े, भारत के व्यापार का विकास हो, उस सबको पूरा करने का संकल्प, उस सबको पूरा करने का विजन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, और उसी क्रम में उन्होंने जो भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का जो संकल्प किया है, $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था की बात की है, तो बंधुओं, वो अच्छी तरह से हमारे नेतृत्व को पता है और उसी दिशा में लोग नेतृत्व काम कर रहा है कि भारत के उद्योग और भारत के विकास, भारत के व्यापार के विकास के बिना वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।